यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज औरैया के अस्ता गांव में पहुंचकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा, ये एक्सप्रेसवे यहां के किसानों के लिए वरदान साबित होगा। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा, वैसे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए कुल 36 महीने का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन यूपीडा के अफसर और निर्माण एजेंसियों के कठिन परिश्रम से इसे 24 महीने में ही पूरा कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है, शेष कार्य भी शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। अवनीश अवस्थी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए सजग हैं। इसके लिए लगातार समीक्षा भी करते हैं। और यहाँ पहुंचने पर जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने एसीएस होम का स्वागत किया। एक्सप्रेसवे पर ही बनाए गए हेलीपैड पर पुलिस ने उन्हें सलामी दी। जरूर पूरा होगा, यहाँ पर हमने रिव्यू कर लिया है, काम काफी तेजी से हुआ है और हम लोगों ने ये निर्देश दिया है कि 2-3 स्ट्रक्चर्स जहाँ पर जरूरत है तो वहाँ लेबर की संख्या और बढ़ा लें, जिससे इन स्ट्रक्चर्स को भी समय से पूरा किया जा सके। यहाँ कोई भी जो है अब और इशू बाकी नहीं है, तो अगले कुछ समय में जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करने का जो निर्देश दिया है उसी को हम पूरा करने के लिए आ जाएंगे। सर, इस पुल के बनने से बहुत सी प्रोग्रेस तो होगी जी, लेकिन इससे एरिया से जुड़े करीब 30 गांव हैं, ऐसे हैं जहां पे बरसात के समय में जबरदस्त जल भराव की स्थिति हो जाती है, लोग को पलायन करना पड़ता है गांव से। और अगर वो कहीं कोई बात आएगी तो उनका बताएं, तो सभी चीज़ों का समाधान तो प्रोग्रेस के साथ समाधान भी होगा और सभी चीज़ों का समाधान भी किया जाएगा। लेकिन हम आपको इतना बता दें, जो भी सड़क बनती है तो सड़क के साथ साथ जो है इंडस्ट्री का भी आगमन होता है, सड़क के साथ साथ लॉजिस्टिक्स का भी आगमन होता है, सड़क के साथ साथ जो है इस क्षेत्र का जो प्रोड्यूस है, अगर सब्जियां लोग उगा रहे हैं तो उनको भी जो है दिल्ली तक, आगरा तक, लखनऊ तक ले जाने में आसानी होगी। तो सड़क बनने से तो क्षेत्र का बहुत सारा विकास होगा। हमारे जनप्रतिनिधि भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री जी कल शाम को इसको फिर से रिव्यू करेंगे, हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी इसको पूरा करेंगे। इसमें कितनी लागत लगी है? लागत इसकी जो है सड़क की कुल लागत लगभग इसमें 14,000-15,000 करोड़ करीब खर्च होगा जमीन को मिलाकर, और इसकी सिविल लागत जो है लगभग 7,700 प्लस GST लगभग 9,000 करोड़ से। अप्रॉक्सीमेट टाइम क्या है सर बनने का? देखिए, अप्रॉक्सीमेट टाइम जो निर्धारित होता है वो 36 महीने का होता है, अभी तो हम 24 महीने में हैं। हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सकता है इसको पूरा। कुछ लोग कहते हैं सर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इसका चुनाव से पहले।